हर हर महादेव भोलेनाथ कृपालु दयालु सौराष्ट्र सोमनाथ चरश्री हरिचरम उज्जैन महाकाल मौनेश्वरम वैद्यनाथ सेतु नावे वाराणसी तो विश्व कुंभ के हिमालय तो केदार भस्म से एकानी जीवतारण पाठ प्रतिपल सत्यप्रकृत पात श्री 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 चंद्रश्री क्षेत्रों में श्री नटराज श्री आदिनाथ देव अजर अमर देव मृत्यु के जय श्री शंकर के श्री चरणों में हम सारे भक्तों की तरफ से नमन करते हैं। और एक बार बोलिए शंकर भगवान की, ये ऐसे देव जिन्हें एक तरफ श्री राम भी पूज रहे हैं और एक तरफ रावण भी, ऐसे देव दुर्लभ होते हैं जो एक तरफ रावण भी उनकी पूजा कर रहे हो और एक तरफ श्री राम भी। श्री भोलेनाथ के श्री चरणों में ये ऐसे देव जिनकी कृपा सही बरसती है, ये ऐसे इंसाफ के देवता कहते हैं कि मिलता है जिस जहां न्याय, भोलेनाथ के दरबार में मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, सबसे बड़ी सरकार। मैं आप सब से हर बात में कंजूसी चाहूंगा मगर एक बात तो नहीं, भोलेनाथ की जयकार आत्मा से करें, ऐसा करें कि हर हर महादेव संग जिनका मैं ऋणी हूं, इस शहर ऋणी है, धर्म प्रेमी ऋणी है, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है और अगर कई वर्षों से हिंदुस्तान इन्हें इंटरनेशनल टाइप के कलाकार इस मंच को सुशोभित करते रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारे कृष्णमूर्ति जी जो इनके हर सांस अवसर के संग से जुड़ी हुई है, हमेशा इतनी हर हर महादेव संघ के साथ जुड़ी हुई है इनके सांसें और इतना सहयोग बनता है करते हैं। आइए मैं एक बार हाथ उठाकर कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है सब भोलेनाथ को खबर है, भक्तों तुम्हारे हर काम पे भोले की नजर है, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से अपनी पवित्रता से अपनी पूजा से हाथ उठाकर भोलेनाथ की जयकार ले, क्योंकि हाथ फैला कर मांगना भी है मगर हाथ उठाकर जयकार करना हक है, भक्तों का भगवान के हक होता है। दोनों हाथ उठाकर एक बार बोल, हेलो बोल शंकर भगवान की, हरे हरे महादेव। कहता हूँ आपका अभिनंदन करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ अमरप्रीत सिंह काले जी को, इन्होंने इतना सुंदर बाबा का दरबार सजाया है। मैं इन कलाकारों और आपके दरमियान मैं कोई खलल पैदा करना नहीं चाहूँगा मगर मैं बात बिल्कुल वाजिब कर देता हूँ कि मैं आपसे पूरी मर्यादा रखता हूँ और इसकी अपेक्षा रखता हूँ कि आप मर्यादित ढंग से कार्यक्रम को सुनेंगे, हमारे मेहमान बस कुछ देर में ही यहाँ तस्वीर रखेंगे और हमारे जो कलाकार हैं पवन सिंह और उसके हमनवा वो भी जब से दूर आ चुके हैं और थोड़ी देर के बाद ये मंच पूरी तरह से सज जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अमरप्रीत सिंह काले जी कह रहे थे कि बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, बुजुर्गों को अच्छी सेहत मिले, युवाओं को अच्छी नौकरी मिले। मैं एक अशार आपको पेश करता हूँ और ये ऊर्जा का संचार करना चाहता हूँ कि हम पुरखों का जमाना भूल गए। कृष्णमूर्ति जी, हम पुरखों का जमाना भूल गए, घर में मेहमान बुलाना भूल गए, हम पुरखों का जमाना भूल गए, घर में मेहमान बुलाना भूल गए। अभी जब से घर में आ गए है नीली पीली हरी ये कालीने, हम बारिश में खुल के नहाने का ललक भूल गए। मगर फल उसकी रहमतों से आता है, तो इनके कहने का लहजा लगता है
कि भक्तों की शक्ति भी भक्तों के बीच में है और भक्तों की मुक्ति भी भक्तों के बीच में है। तो ये बीच बने रहे और सौहार्द का वातावरण बने रहे, भोले का दरबार सजा रहे और देवादी महादेव का जो दरबार सजा है उसमें आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी शोभायमान कर रही है। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को दुबला कर रही है। हमारे जो मेहमान हैं बस थोड़ी देर में हमारे बीच होंगे, हमारे कलाकार भी आएंगे और आप उसका लुत्फ उठाएंगे। धन्यवाद। Oh,
बोलते